श्रीनन्दनन्दनम् अभयचरणारविन्द रे भज हुरे मन श्रीनन्दनन्दनम् अभय चरणारविन्द रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहे भव सिन्दुरे भज हुरे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे शीतयातप बात बरीशन ए दिन जामिन जागिरे शीतयातप शीतयातप बात बरीशन ए दिन जामिन जागिरे कमल जन जन जीवन टलमल विफल से बुन जीवन निर्जन विफल से बिन कृपन दुर्जन कपल सुकल भोला गिरे जपला भज हुरे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे इधन यौवन पुत्र परिजन इच्छे की अच्छे परतीति रे इधन यौवन पुत्र परिजन इच्छे की अच्छे परतीति रे कमल जन जन जीवन टलमल कमल कमल जन जन जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे भज श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन
पाद सेवन दास रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखियन आत्मनिवेदन पूजन सखियन आत्मनिवेदन गोविंद दशय अभिलाष रे गोविंद भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मन जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जनवानव जय गिरिवर धारी जय गोपी जनवानव जय गिरिवर धारी जय
जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरवना जारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवना चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा वत सती राधा वत सती राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय परमेश पूर्वजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिवम ये शिवक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय समवेद भक्तबिंद की जय परिणाम संकीर्तन की जय इन श्याम कुंड राधा कुंड गुरु गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय नवोदय मायापुर धाम की जय श्री क्षेत्रपुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय जगन्नाथदेव भगवान की जय चित्रवृक्ष हनुमान की जय गौनित्य भगवान की जय राधा प्रसादी भगवान की जय श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय तुलसी महारानी की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय ऑल गोश्वर शमुली ऑल गोश्वर शमुली ऑल गो श्री गुरु गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतो नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्ट प्रेषभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत स्कंद 5 अध्याय 12 श्लोक नंबर 9। एवं निरुक्तम खीति शब्द वित्तम एवं निरुक्तम खीति शब्द वित्तम आसिन निधानात् परमानये आसिन निधानाद परमानवये अविद्या मनसा परिकल्पितास्ते अविद्या पर मनसा परिकल्पितास्ते येषां समूहेन कृत विशेषः येषां समूहेन कृत विशेषः एवं निरुक्तं खिति शब्द वित्तं सन्निधानाद् परमानयवे आसन निधानाद् परमानयवे अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृत विशेषः एवं निरुक्तं खिति शब्द वित्तं आसन निधानात् परमानये अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृत विशेषः येषां निरुक्तं खिति शब्द वित्तम् आसन निधानाद् परमानवो ये अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृत विशेषः
एवं इस प्रकार निरुत्यम मिथ्या वर्णन किया गया, मिथ्या वर्णन किया गया। खिति शब्द खिति अर्थात पृथ्वी शब्द, वित्यम उपस्थिति, असत असत्य निधानत विलीन होने से, परम अनब अत्यंत सूक्ष्म कर्ण, ये जो सब अविद्या अविद्या अर्थात अज्ञान से, मनसा मन से कल्पिता कल्पना किए हुए, ते वे जैसाम जिनका समूहेन समूह के द्वारा कृतः बनाया हुआ विशेष विशेष। अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई यह कह सकता है, कोई यह कह सकता है कि विधिवत विविधता तो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न होती है, तथापि यह ब्रह्मांड भले ही थोड़ी समय तक सत्य प्रतीत हो, पर वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों के संयोग से उत्पन्न हुई थी, किंतु ये कण अस्थाई है। वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं, यद्यपि कुछ दार्शनिक ऐसा सोचते हैं। यह सत्य नहीं है कि इस संसार में पाई जाने वाली विविधता किसमें परमाणुओं के उलट पुलट या विविध संयोगों का प्रतिफल है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जो परमाणुवाद के समर्थक है उनका विचार है कि परमाणुओं के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन मिलकर विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति करते हैं, किंतु वैज्ञानिक गण परमाणु के ही अस्तित्व का कारण खोजने में असमर्थ हैं। इसी दशा में हम यह नहीं कह सकते हैं कि परमाणु ही ब्रह्मांड का कारण स्वरूप है। ऐसे सिद्धांत अज्ञानी लोग प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक बुद्धि के अनुसार इस विराट जगत का असली कारण परमेश्वर है। जन्मादस्य जतय, वह समस्त सृष्टि का मूल कारण है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। कृष्ण ही मूल कारण है, सर्व कारण कारणम, वो समस्त कारणों के कारण है। कृष्ण ही परमाणु अथवा भौतिक ऊर्जा शक्ति के कारण है। भूमि अपो नलो वायु फं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यं मे विन्या प्रकृतिस्तदा प्रकृति अष्टदा। परम कारण भगवान है और केवल अज्ञानी व्यक्ति ही विभिन्न सिद्धांत के द्वारा अन्य कारणों की खोज का प्रयत्न करते हैं। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, राधा प्रसाद भगवान की, गौरित भगवान की। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखायुताङ्गं। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुतिदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्यं प्रभु नित्यानंदं श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकाभिरम रणरंग धीरम राजवनेत्रम रघुवंशनाथम कारण्यकरुणं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। एवं निरुक्तं कितिर शब्द वित्यम आसन निधानत परमानवो ये अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कितो विशेष। महाराज अरोगन तथा जलभरत के वार्तालाप में इस श्लोक के द्वारा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जगत की कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा है यथा तमो यथा भासो, जो दिखाई दे रहे हैं और जो दिखाई नहीं दे रहा है ये सबका ही कारण परमेश्वर है। सबकी मूल कारण परमेश्वर है पर अज्ञानी विज्ञानी लोग सोचते हैं कि हम कभी बना लेते हैं कुछ भी तो मैं सृष्टि करता हूं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्वारा अणु से छोटा 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 देखे तो तीन भाग होता है। यहाँ यद्यपि दो बात बताए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर और एक शब्द होता है इसमें प्रभुपाद जी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अणु से तीन भाग है। ये इन तीन के माध्यम से वैज्ञानिक लोग बहुत कुछ बना लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अज्ञानी व्यक्ति को बनाना आता है कोई तो केवल विनाश करने के लिए बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, हाँ परमाणु बम बनाते हैं। और वो जो बना लिया, जो देशों ने बना लिया, सोचते हैं कि हम सृष्टि कर दिया है, हम सुरक्षित है दूसरे से। रावण का प्रोग्राम है। रावण कहते थे हम मारे मर ही ना मरे, हम मारे मर ही ना मरे, हम सबको मारेंगे, हम किसी से मरेंगे नहीं। आज की स्थिति है कोरोना चल रहा है, चारों तरफ कोरोना, इतना भयंकर विषय हो गया है। ये असुरी तत्व का सृष्टि है और असुरी तत्व ने इस बना करके सारा दुनिया को
ऐसा भयभीत कर दिया तो सोचता है कि हम सबको नाश कर देंगे। लेकिन ऊपर वाला कोई है और जो वो भारतवर्ष से ही मानते हैं इस बात को, हम क्या कहते हैं, राखे होरी मारे के। अगर हम हरि की शरण में है तो हरि कहते हैं जो मेरे शरण में आते हैं तो हम उसका रक्षा करते हैं। जी जथा माम प्रपद्यन्ते तायं तथैव भजाम्यहम्, उसका हम रक्षा करते हैं। ये हजारों लाखों पंडित भक्त आचार्य सन्यासी भगवान की मंदिर में रह करके कोरोना टाइम में भजन ही कर रहे हैं और वो भजन का फल तो होगा। ढाई तीन महीने साढ़े तीन महीने इस मंदिर को देखो सन्नाटा, पर अभी धीरे धीरे प्रोसेस में रहते हुए जो कह रहे मानने की जान में जान आए, ऐसा लग रहा है तो हम गए, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं और नहीं आ सकते हैं बाहर, फिर भी हमको लगता है कि हम गए, हम नहीं गए। ये आसुरी तत्व की भय से हमको भयभीत कर दिया है कोरोना वायरस। जिस देश से निकले हैं आप सब जानते हैं वो कहां से, असुर, असुर है। दुनिया की ऐसा कोई देश नहीं है जो शांति में रहना चाहते हैं, एक और दो उनके सगे साथी जो एक दो है, मैं नाम नहीं लेता, समझ रहे हैं ना बात को, यही लोग, ये विजातीय तत्व हमारे देश ने समस्त दुनिया को नाश करने है। आज परमाणु की बात आ गया, ये परमाणु उलट पलट विविध संयोग से प्रतिफल उसका हो रहा है। अरे कल उसका 40 लाख लोग का तबाह हो गया, कल की न्यूज में जिसने बनाया वो 40 लाख लोग पानी में चला गया। तुमने परमाणु बनाया कोराज बनाया कोरोना, और हमने तुम्हारे कर्ताओं कल्याण, उसी की बात कर रहा हूं मैं। 40 लाख चले गए पानी में, एक नहीं दो नहीं इकट्ठा और जाएगा, क्योंकि जिस देश का रक्षा करने वाले स्वयं भगवान है, समस्त कारणों के कारण है वो भगवान। तुम अपने कारण बनते जाने से लाभ नहीं होगा, कार्य कर सकते हैं, करता नहीं, कार्य कर कर्मण अधिकार महापरेश कदाचन, लेकिन खुद फल लेना चाहते हैं। अभी तक जो जो फल लिया लेना चाहते हैं रावण जैसा, उनका यही गति हुआ और होगा ही, रिहा ही नहीं है। तो कर्ण कर्ण में जो परमात्मा की अनुभव करते हैं, कण कण में भगवान विराजमान है, वो अनुभव कण किया है, प्रहलाद जी ने किया है। जत्र जत्र नेत्र स्परे तत्र तत्र कृष्ण सूर्य, खम्भा में बल में जल में कहा नहीं, सब जगह में दिखाए, लेकिन बेकूफ हिरण्यकशिपु को नहीं दिखाई दिया, ये बेकूफ है। ऐसे ही सारी वैज्ञानिक अज्ञानी बेकूफ है, बना लिया ये तत्व, हाँ प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन से कुछ ना कुछ, ये न्यूट्रॉन बॉन है, ये परमाणु बॉन है, ये है वो ऐसे है, ये किस लिए है। मानव जीवन मिला है प्रभुपाद जी अपनी सारी ग्रंथों में लिखे हैं, सब शास्त्र में लिखे हैं, मानव जीवन सबसे उत्तम जीवन है। दुर्लभ मनुष्य देहे देहिना मिशन भंगुर तथा भी दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये किसी को समझ में नहीं आता। एक संत लोग ही समझते हैं, जिनके ऊपर हरि की कृपा है वो समझ सकता है कि मानव जीवन कितने मूल्यवान है, अन्यथा ये वैज्ञानिक असुर लोग ये बस पटाखा मना करके पटाखा छोड़ना चाहते हैं, मारना चाहते हैं।
अरे तुम्हारे मारने से कि मर जाएंगे कुछ लोग, समूले विनाश तो नहीं कर सकते ना, समूले विनाश। इससे पहले भी कितने महामारी हुआ दिया है लिस्ट में, हर 100 साल के बाद में एक महामारी आता है और उस महामारी में हजारों लाखों लोग मर जाता है। कितना भी भजन करे भक्ति करे लेकिन ध्यान हमारा कोरोना में रहता है, मुंह में जलती मांदो, मुंह में कपड़ा बांध के जाओ, मुखौस बन के जाओ, मास्क पहन के जाओ, चेकअप करो, ये करो से करो, भाई लगा दिया। वास्तव में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक विद्या की डिस्टेंस रखो दूर, बस कुछ भी नहीं है। और ढकाढक पानी पियो गरम। बोले हैं हमारे एक व्यवसायी चाइना में है, वो बोले हैं कि यहाँ तो घर घर में कोरोना है, हर घर घर में बीमारी है, जो पहले मर गया मर गया, अब नहीं मर रहा है, तो क्या कर रहा है? दिन में 4 बार गर्म पानी पीता है और वो केतली में भाव लेता है, इसी से साफ सेफ है। दूसरी हमारे भारतीय डॉक्टर ने बताया नींबू पानी पियो, गरम ग्लास में नींबू पानी निचोड़ के पियो 2 टाइम, कम से कम 1 टाइम, जिसका हुआ वो ज्यादा टाइम 4 बार पिए, जिसका नहीं हुआ वो 2 टाइम पिए, 4 दिन के बाद में नेगेटिव निकलेगा आपका पॉजिटिव हुआ तो। कहने का मतलब भर से दूर करने के लिए लाखों रुपया खर्चा करके सोच रही दवाई निकाल दूं, वैक्सीन निकाल दूं, और हमारे ये व्यवसायी लोग लगा पड़ा है वैक्सीन निकाल, तुम बीमार हो दवाई लेने आएगी हमारा मुनाफा आएगा, एक से एक लोग बैठ गया सब बिजनेसमैन दवाई बेचने। पहले तो वो दुष्ट तत्व आसुरी तत्व ने शुरू किया, बाद में हमारे देश में भी बिजनेसमैन भी वो भी दवाई ढूंढ रहे। अरे जब इसका दवाई है ही नहीं, काय को व्यर्थ खर्चा करते हो, काय दुनिया का पैसा दूसरे को लेते हो, यही एक उपाय है, डिस्टेंस रहो, दूर रह करके कहो, मास्क भी जरूर आवश्यकता है, दूर रहो तो कोरोना नहीं है। तत्व बता रहे हैं कि सबका कारण अगर कृष्ण है, परमात्मा है, सब में पर अनुवाद क्यों समझते हैं कि हमने बनाया, क्यों इसीलिए कि हम बनाया, हम कर्ता बनना चाहते हैं, हम सबको सारा दुनिया को हम इकट्ठा कर लेंगे हमारे पीछे पीछे। पहले अमेरिका सोचता था, अब ये दुष्ट सोने लगे। हाँ, इससे कुछ फायदा नहीं, समय वही केवलम, पर कौन समझाए इनको जाके? प्रभुपाद जी होता समझाते, वो ये बकल करके समझाते ना कि ये सब बकवास है, भजन करो मरना हो तो मर जाएंगे, डिस्टेंस आके भजन करते रहो तो ये भजन में एक शक्ति है कि एक वाइब्रेशन सृष्टि होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये जो शब्द उच्चारण है एक वाइब्रेशन। आपने देखा होगा हनुमान जी का चित्र में, कभी कैलेंडर में हनुमान जी राम राम जप कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रखता है, वो वाइब्रेशन के सामने बाकी सब कोई भी आ नहीं आ सकता। अगर आप 64 राउंड जप करते हैं इन दिनों में तो आपके पास कोरोना आ ही नहीं सकता, निश्चित। दूसरी बात, जो वेजिटेरियन है भक्त है, आज तक उनके संख्या कोरोना कम है, जो नॉन वेज है वही लोग ही फंसे हैं, इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं भगवान रक्षा कर रहा है, कहीं ना कहीं। इसीलिए विविधता में पृथ्वी का उत्पन्न अलग अलग समय में जो कुछ भी उत्पन्न हो जाता है, कोरोना सोरोना मरोना जो भी बनता है, तो इससे हमको भयभीत होना चाहिए नहीं, हमको भयभीत सावधान होना चाहिए पर भयभीत नहीं, नियमों का पालन करते हुए सावधान होते हुए हमें भक्ति में अटूट रखना चाहिए, भगवान में इष्ट में अपने शास्त्र में ध्यान देना चाहिए कि हमें
ये सब कुछ नहीं होने वाला है। कोई साधु ये भी बताया कि आप पब्लिक में जाते हैं तो देसी घी बाजार की बोतल वाला घी नहीं, केमिकल वाला नहीं जो बेचता है, साइकोलॉजी का इफेक्ट देने के लिए दाम बढ़ा दिया, पर है दो नंबरी, गाय है ही नहीं तो घी कहां से आ रहा है इतना। सबको गोलक धंधा में रखा है, भ्रम है। हमारे पास भी कई बार लोग आए, रूम तक तो पहुंच गया जदू गुस्सा के पास, मोहनपो के पास भी आ गया होगा, ये दूध ओरिजिनल, ये गाय घी ओरिजिनल, ऐसा जो ओरिजिनल बोलने वाला ना है तो शंका है ये ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल हो ही नहीं सकता। अपनी गाय से अगर दूध निकल करके जो घी बनता है ओरिजिनल घी, उसका दो बूंद नाक में लगा करके आप बाजार में जाओ, फिर आप सुरक्षित है। और गौमूत्र पीने की आदेश दिया। तो मैं इसीलिए तत्व कह रहे हैं कि परमाणु तत्व के उलट पुलट से दुनिया उलट पुलट हो गया, सब परेशान हो गए। तो प्रभुपाद जी पहले लिख चुके हैं ये परमाणु के उलट पुलट से विविध संयोग का ये प्रतिफल नहीं है, ये तो अपनी दुर्वृत्तकारियों का, अनैतिकवादी का, साम्राज्यवाद का, रावण तत्व का, कंस तत्व का, लोगों का ये कारनामा है जिसके कारण ये सबको तकलीफ दिया है। पर इनका भी नाश होगा, बिल्कुल नाश होगा, शुरू हो गया शायद पेपर में आया नहीं, पर शुरू हो गया। एक कट्टा 40 लाख लोग गया बाढ़ से, बाढ़ पानी को वो इतना क्या कहते फ्लड, हाँ समुद्रिक बाढ़, इतना आए सारा गए एक अंश, कल रात की बात है। तो वैसे आएगा, जो जैसे करती है वैसे ही उसको भरना पड़ती है। निश्चित होकर के हम भक्त जो है भगवान के भजन करें, भक्ति करें, भगवान में विश्वास रखे, अपने गुरु महाराज, शास्त्र, समाज, भगवान, आध्यात्मिकता में विश्वास रखे, तो हमें सब कुछ नहीं होना। लेकिन फिर भी ये नियमों से, जो नियम मंदिर के परिसर में रखा है उसको पालन करते करते, अभी मैं जब आ रहा था तो मोहन रूपये अनाउंस कर रहा था इसी की शायद, तो माँ सबको पढ़ना आवश्यक है, तो वो आवश्यक है। पर आज डॉक्टर ने बताया कि मांस पहनो, लेकिन जैसे घर के सामने दरवाजा लगाते हैं तो इस दरवाजा में कुत्ता बिल्ली नहीं आ पाते हैं, लेकिन चूहा तो आ जाता ना। 1 लाख रुपया वो बोला है कि को प्रमाण कर देंगे तो हम उसको 1 लाख रुपया देंगे। आप किसी को टेस्ट कराओ तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा। 2 घंटा अंतर चेकअप करो, टेस्ट करो तो पॉजिटिव आएगा, फिर 2 घंटा करो पर नेगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और बताए कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा, पूरा 7 मिनट का प्रवचन है उसका, 6 मिनट का। बताए कि जैसे चूहा घुस जाते हैं, कुत्ता बिल्ली नहीं आ पाता, उसी वक्त मास्क पहनने के बाद में भी वो वायरस चूहा बिल्ली की तरह घुस जाएगा। इसीलिए 2 हाथ के डिस्टेंस नहीं, 20 हाथ की डिस्टेंस, दूर दूर रहो, दूर दूर रह करके काम, दूर दूर रह करके अपने काम करो, बस इतना ही करो। अब देखो हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो कोरोना के भय से ये भी चिंता रहता है, भाई कब जाए, मौत लगाए। भक्त तो आता है तो उसको देखता नहीं, कहते इधर जाओ हम जाए, भक्त है। हमने गोरखपुर के करवा गांव में लगभग 1.5 महीने पाठ किया, जो भी हो सके। कोरोना शुरू हो गए और गांव में कोरोना नहीं आए, कारण क्या, बाहर से कोई नहीं आया। जो लोग असुरी तत्व लोग, निजामुद्दीन वाले, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, निजामुद्दीन वाले ही काफी है, ये और उनका सगा साथी जितने भी लोग हैं, वो सब जो भारत देश को तबाह करने के लिए किया।
पर हम कोरबा गांव में जब प्रवचन कर रहे थे तो देखा कि सभी लोग बड़ी मस्त, कोई मास्क नहीं पहनता वहाँ, पर हमने बोला भी नहीं, दो दो हाथ दूर बैठे, तीन हाथ दूर दूर बैठे सब। तो जैसे आप बैठे हैं यहाँ ऐसे ही बैठ करके राम कथा चालू कर दिया पूरा एक महीना, कोई दिक्कत नहीं, एक भी नहीं हुआ। तो जाके रख के सैया मर सके ना कोई, ये निश्चित है। पर साई ने कुछ दवाई बनाया, सैया माने भगवान ने कुछ दवाई बनाया, कुछ नियम बनाया, वो भी उसको पालन करें हम तो हमें सुरक्षित है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, ये आखिरी शब्द में ले रहा हूँ कि परमाणु के उलट पुलट या विविध संयोग का प्रतिफल ये या प्रतिफल नहीं है, प्रतिफल है ये। प्रतिफल का मतलब क्या हुआ, एक फल परिणाम, ये परिणाम नहीं है। ये कुछ भी हो रहे हैं इसका भी कारण में पीछे भगवान ही है। कुछ असुर लोग को मरना है, असुरी लोग को मरना है, वही मरेंगे। ये भक्त है वो नहीं मरने वाला है, जो नियमों को पालन नहीं करेंगे वो तो जाएगा, लेकिन नियमों को पालन जो करते रहेंगे उन भक्तों को कोई तकलीफ नहीं होगा। यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं, विविधता तो स्वयं पृथ्वी का उत्पन्न होती है, पृथ्वी से उत्पन्न होती है, अनेक प्रकार, अनेक प्रकार द्रव्य, अनेक प्रकार वस्तु, अनेक प्रकार जीव, अनेक प्रकार मनुष्य, अनेक प्रकार प्राणी, सब अलग अलग बनता है, लेकिन सब को एक ना एक दिन ये नष्ट होना है, चले जाना है। ना तुम रहेगा, ना हम रहेगा, ना कोई जीव रहेगा, ना दुनिया रहेगा। अरे ये इस्कॉन मंदिर दिल्ली, हम सब है ना, अभी एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, तुम भी नहीं रहोगे, लेकिन मंदिर रहेगा। प्रभुपाद जी बोले 10,000 साल, 10,000 साल हमारी संस्था पक्का रहेंगे। तो 10,000 हमारा तो 1,000 भी नहीं है, हम तो 100 साल के भी मेहमान नहीं है। तो इसलिए गंभीरता से मानव जीवन में जो मिला है भक्ति कर लो, बस इतना ही निवेदन है। किसी को राग नहीं, किसी को देश नहीं, जो जैसे कर रहे जहां कर रहे करने दो। चार नियमों का पालन कर लो, कामी क्रोधी लोभी अहंकारी द्वेषी, इस पांच वस्तु को दूर रख करके भजन करो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी सब पक्का है भगवत धाम जाना, निश्चित है। कौन सा, कामी, कामियों का संग नहीं करना, क्योंकि काम ऐसे क्रोध ऐसे रजगुण से मधुभव, रजगुण लाता है संग करने से आ जाएगा। अब मानवा ना मन, असल व्यक्ति का संगत करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए सत्संगत करना है, जितना समय हो 2, 4, 10 सत्संग ही करना, असत संग कभी नहीं करना, अर्थात कामियों का संग नहीं करना। आपको मालूम हो रहा है ये व्यक्ति ठीक नहीं है, फिर भी उससे बात कर रहे, इतना नजदीक हो गया, नहीं आपको पता हो गया, कामी से दूर, क्रोधी से, क्रोध करने से तुम्हारा भक्ति नष्ट हो जाता है। एक दिन में जितनी माला जप किया, ध्यान किया, पूजा किया, बात किया, अवश्य दिन थोड़ा सा किसी के प्रति क्रोध आ गया तो भजन नष्ट हो गया, उसका फल नहीं मिलेगा। कामी क्रोधी लोभी, लोभ बड़ सताते हैं व्यक्ति को, ये मिला थोड़ा सा और कुछ मिल जाए। स्वल्पमसी तस्य तायते महतो भयात्, बड़ा भाई से भाग होना तो हो तो लोभ से बचो। जितना भी भक्ति आपने किया उतना ही आपके लिए पर्याप्त है, आप तर जाएंगे, पर लोभ से बचो, लोभ नहीं करना। कामी क्रोधी लोभी अहंकारी, मालूम पड़ा कि अहंकारी व्यक्ति है ये, तो अरे अहंकार सब में है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अरे अहंकार को देखने के लिए ये जो आज देख रहे हैं ना, यहाँ परमाणु का विषय हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पट्टन न्यूट्रॉन बना करके बम बना के दुनिया के नष्ट करने के परवानी, चमका दौड़ से पैजन बनाया और सारा दुनिया में भरा दिया है। ये जो बनाया है बड़ी खतरा है ये, इसे
इससे हमें कोई नहीं है, हमें कोई नहीं, हम स्थिर है तो हमें कल्याण है। तो अहंकार से मुक्त होना, ये अहंकार एक व्यक्ति का परिचय है और इसका नाश होना। अहंकार जिन व्यक्ति ने अहंकार को सिर में चढ़ाया तो उसका पतन हो गया, अहंकार से भी बचे। और पांचवा है द्वेष, द्वेष करना नहीं है, कोशिश करें कि हम किसी एक दूसरे से द्वेष ना करें, हिंसा ना करें, नेगेटिव विचार ना रखे, पॉजिटिव विचार रखे हमेशा। मंदिर बनाए इसीलिए ये पॉजिटिव विचार वालों के लिए, नेगेटिव विचार वालों के लिए नहीं। तो आज इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं समस्त कारण के कारण भगवान है। भूमि रपो नलोभ आयो खंग मन मुद्रे बचो अहंकार प्रतिव्याजो भिन्या प्रकृति सदा। ये आज प्रकृति में भी देखा जाए तो आज तत्व में भी ये पाया जाता है दुर्गुणों को, परंतु इन दुर्गुणों को समय समय पर भगवान छोड़ करके व्यक्ति को या तो सुधर जाते हैं या तो तार देते हैं। तार दिया उनको और तारेगा निश्चित उस सबसे, वक्त के निर्वाह होकर के इन तत्वों से बुझ के जान करके, ठीक से करके जान करके, पृथ्वी के मध्य में सूक्ष्म कारण एक दूसरे के मिलके जो भी उत्पत्ति होता है, जो भी उत्पन्न होता है, ये सब अस्थाई है, इसका कोई विशेष मूल्य नहीं। प्रभुपाद जी शब्द उच्चारण करते थे कंटेम्पोरारी, कंटेम्पोरारी थोड़ी लगता है कि बहुत लंबा है, लेकिन सब कंटेम्पोरारी है। उसी प्रकार सोच करके हमें भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही हमको बचा सकते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ भगवान के सेवा में लगाए समय को, मन को, धन को, भगवान को ही पूर्ण पुरुषोत्तम मान करके हम चले। सबका कारण भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी से हम कहते हैं, सब शास्त्र कहते हैं, सब साधु कहते हैं, भगवान मूल कारण में है। तो हमें मूल कारण को मानते हैं, बाकी सब कारण गौण है, ये सब पैदा होंगे और मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। मूल में हम भगवान के शरण में है, तो इसलिए हमारी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम निश्चित है। इतना सह करके शरण रहे हम भगवान के शरण में, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगा, निश्चित। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई किसी को बोलना इस बारे में हो सकता है? हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज प्रभु जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है और हमारे लिए बहुत उपयोगी शिक्षा है। तो यहाँ पर जो जड़ भरत हैं वो रहुगण को समझा रहे हैं कि तुम अपने को राजा मान रहे हो और इनको अपना दास मान रहे हो, इनको अपनी सेवा में लगा रहे हो। तो अगर तुम अपने को शरीर ही मान रहे हो और जीवात्मा को नहीं समझ रहे, शरीर को ही मान रहे हो, तो शरीर भी जो है अगर तुम समझते हो कि राजा है और ये दूसरा जो शरीर है ये सेवक है, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक शरीर तो पृथ्वी से, जमीन से ही पैदा हुआ है, वो जमीन में मिल जाएगा, तो सब जो है मिट्टी है। तो इस प्रकार से भी तुम समता में रहो, अपनी जो राजा की जो भावना है उसको छोड़ दो, क्योंकि सब शरीर तो पृथ्वी से ही पैदा होते हैं और पृथ्वी में मिल जाते हैं, है ना। फिर अगर कुछ लोग और गहराई में जाते हैं तो वो कहते हैं कि पृथ्वी भी जो है बनी है, परमाणुओं से बनी है। तो पृथ्वी भी जो है मतलब वो नहीं है कि स्थाई हो, तो स्थाई तत्व वो परमाणु को मानते हैं कि परमाणु से सब कुछ बनता है। तो वो पृथ्वी की बजाय वो परमाणु के जो है भावना में आ जाते हैं। तो परमाणु की भावना में भी जो लोग आ जाते हैं तो शरीर परमाणु से बना हुआ है, तो उनके अंदर भी कुछ क्षमता रहती है और वे छोटा बड़ा का भाव नहीं रखते। तो इस प्रकार से भी एक जो है विचार है कि भाई शरीर सब परमाणुओं से बना हुआ है। लेकिन फिर यहाँ जड़ भरत कह रहे हैं कि अब ये भी जो है एक अज्ञान है कि वो कहते हैं कि
परमाणुओं से, परमाणुओं के समूह से अलग अलग जो विशेष जो विविधता है वो बन जाती है। तो परमाणु अगर जड़ वस्तु है तो परमाणुओं से के अलग अलग संयोग से ये अलग अलग चीज़ें कैसे बनती हैं, तो ये भी उनका एक अज्ञान है। तो आज के जो वैज्ञानिक है वो इतने अज्ञान में है कि अगर वो परमाणु से भी सूक्ष्म जो अणु कण है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मानते हैं, तो उनका भी जो संयोग है वो कैसे हुआ, कैसे होगा? जब तक कि कोई बाहरी शक्ति ना हो तब तक ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये भी जो है कैसे अपने स्थान में रहेंगे या एक दूसरे से मिलेंगे, तो इनको भी मिलाने वाला कौन है? तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंद इतने बड़े हैं कि पूरे ब्रह्मांड में भी वो गर्भोदक साई विष्णु के रूप में हैं और उनसे ब्रह्मा का जन्म होता है, ब्रह्मा जी 14 लोक बनाते हैं, और गोविंद इतने छोटे भी हैं कि परमाणु के अंदर भी हैं। तो परमाणु के अंदर गोविंद ही हैं जो कि परमाणु की संरचना करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब की व्यवस्था करते हैं और परमाणु को एक दूसरे से मिला करके जो भी वस्तुएं बनती हैं, तो सब जो है नियंत्रण गोविंद का है। तो लोग जो है इस बात को जब तक नहीं जानेंगे तब तक इनका ज्ञान जो है अधूरा ही रहेगा। तो आज का जो विज्ञान है ये आरोह क्रम में चल रहा है। आरोह क्रम का मतलब है कि अपने प्रयोगों के द्वारा वो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और वो निष्कर्ष हमेशा बदलते रहते हैं कि नए प्रयोग होते हैं तो पहले वाला निष्कर्ष बदल गया। तो डाल्टन ने कहा परमाणु अविभाज्य है, परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता, तो अभी परमाणु का भी विभाजन करने लगे हैं, परमाणु के अंदर भी दूसरे जो कण हैं वो बता रहे हैं। लेकिन जब तक वो जो है इतनी गहराई में नहीं जाएंगे कि गोविंद ही हर चीज़ के अंदर हैं, तो तब तक उनका ज्ञान पूरा नहीं होगा। तो ये ज्ञान जो है इनका वो है आरोह क्रम में है कि प्रयोगों के द्वारा वो जो है आधारित है। लेकिन दूसरा ज्ञान होता है अवरोह क्रम में है कि जो पूर्ण पुरुष से हमें जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो पूर्ण होता है, तो उसमें कभी भी बदलाव नहीं आता, उसमें कोई प्रयोग नहीं करने पड़ते हैं, वो पूर्ण पुरुष से वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पूर्ण पुरुष से भगवान जो पूर्ण पुरुष उन्होंने ज्ञान दिया, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, चाहे परमाणु हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, सब के सब उनके अंदर भी भगवान समाये हुए हैं, जैसे कि धागे के अंदर क्या होते हैं मणि होते हैं मोती, धागे के अंदर मोती होते हैं तभी वो इकट्ठे मिल पाते हैं, अगर धागा नहीं होगा तो सब मोती बिखर जाएंगे। तो परमाणु हो इलेक्ट्रॉन हो कुछ भी हो उनके अंदर भी गोविंद हैं जो कि उनको जोड़ रहे हैं या उनको तोड़ रहे हैं, अलग कर रहे हैं या जो है पास में ला रहे हैं, वो सब कुछ कंट्रोल उनका है। तो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है पूर्ण पुरुष से, उसे कहते हैं अवरोह क्रम। अवरोह क्रम कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ज्ञान, तो वो जो है इसमें बहुत समय और कई जन्म भी लग जाएंगे, तो अभी वो ज्ञान परम सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शुक्ल प्रभुपाद की।